हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं आपके लिए फिर से एक और पिकअप का रीडिंग लेके हाजिर हूँ। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि जो सितंबर का मंथ है उसमें आपके लिए कौन सी गुड न्यूज़ आ रही हैं, आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। साथ में हम ये भी देखेंगे कि इस मंथ के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है, कौन सी एडवाइस आपको दी जा रही है, क्या करने की आपको नीड है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। मैंने ऑलरेडी जो जोडियक बेस्ड रीडिंग है सितंबर मंथ के लिए करती हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी और ऊपर कहीं आपको आई बटन पे भी उनका लिंक मिल जाएगा। तो आप जाके अपने जोडियक्स को भी ज़रूर चेक करिएगा। और इस रीडिंग में मैंने आप लोग के सामने तीन ऑप्शंस रखे हुए हैं। सो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये है ऑप्शन फर्स्ट, ये है ऑप्शन सेकेंड, एंड ये है ऑप्शन थर्ड। मैंने चूज़ करने का तरीका आपको बताया ही है। आंखें बंद करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, खुद को डिवाइन के साथ कनेक्ट करिए और उनसे पूछिए कि आपके लिए इस टाइम पे क्या जानने की ज़रूरत है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपको वो गाइड करे, आपको वो ब्लेसिंग्स दें अपनी। और आंखें खोलने के बाद जो भी ऑप्शन आपके सामने हों उन पर फोकस करिए, जो भी आपको इंट्यूटिवली अपने से कनेक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स जो भी होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो वहाँ से आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। और अभी मैं ऑप्शन वन के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन वन, तो जिन भी लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया है द टाइगर, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। इसे मैं साइड से रख देती हूँ। ओके, सो अभी मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स और हम देखेंगे कि सितंबर के मंथ में आप लोग के लिए कौन सी गुड न्यूज़ आ रही हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। ओके, सो ऑप्शन वन, किंग ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ कप्स, ओके, टेन ऑफ सॉल्स। ओके, सो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो है वो ये कि आप लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, किसी ना किसी चीज़ में आप लोग ज़रूर उलझे हुए हो, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। हो सकता है कि ये जो आप उलझे हुए हो दो लोगों के बीच में आप लोग उलझे हुए हों कि आपको किस पर्सन को चूज़ करना चाहिए, किसके साथ आपको आगे जाना चाहिए, किसके साथ आपको कंटिन्यू करना चाहिए, कौन सा पर्सन आपके लिए सही रहेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज इन दो चीज़ों के बीच में भी फंसे हुए हैं, मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है। तो सितंबर के मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है कि जैसे कि कहते हैं ना ट्रू लव को समझ पाना, कि आपके लिए ट्रू लव कौन है, आपका परफेक्ट पार्टनर कौन है, आप ये समझ पाएंगे इस मंथ में। साथ ही साथ यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रहा है कि जो भी अनवांटेड चीज़ें थी आपकी लाइफ में, जो भी यूजलेस चीज़ें थी, यूजलेस चीज़ों से मेरा मतलब है जैसे कि कुछ पर्सन ऐसे थे जो जस्ट नेगेटिविटी क्रिएट करते थे आपकी लाइफ में, कुछ लोग ऐसे थे। यहाँ पे मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये कि जो बेकार की चीज़ें थी ना आपकी लाइफ से इस मंथ वो हटने वाली हैं। जैसे क्या होता है, जैसे हम घर की साफ़ सफाई करते हैं तो घर से कचरा निकालते हैं ना, तो वही मुझे यहाँ पे सिचुएशन नज़र आ रही है। जैसे इस मंथ ना बहुत सारी चीज़ें आपकी, बहुत सारे लोग भी हो सकता है कि आपकी लाइफ से दूर हो जाएँ बहुत सारे। और मैं आपको एक बात बताऊँ कि वो लोग ऐसे होंगे जो आपके लिए अच्छे भी नहीं होंगे। हाँ, आप समझ रहे हो मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो इस मंथ आप ये फ़र्क करना सीख जाओगे कि कौन पर्सन आपके लिए अच्छा है, कौन सा पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं है, कौन आपका ट्रू लव है, कौन आपका कार्मिक है। सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ टू ऑफ कप्स की यहाँ पे एनर्जीज हैं, जैसे कि कोई पर्सन अगर अभी तक आपको वैल्यू नहीं कर रहा था, कोई आपके इमोशंस को नहीं समझ पा रहा था, कोई पर्सन आपके प्यार को नहीं समझ पा रहा था, सो इस मंथ पॉसिबल है जैसे कि उनको एहसास हो, हाँ वो समझ पाए कि एग्जैक्टली आपका होना उनकी लाइफ में कितना मैटर करता है,
आप उनके लिए क्या हो। बहुत सारे लोग अगर यहाँ पे शादी के लिए सोच रहे हैं तो उनकी शादी भी जैसे फिक्स हो सकती है। शादी फिक्स नहीं हो सकती, लेकिन जैसे कि कोई पर्सन ढूंढ रहे हैं, या तो आपके घर वाले ढूंढ रहे हैं या फिर आप खुद ढूंढ रहे हो, तो वो परफेक्ट, जैसे मैच कहते हैं ना, वो परफेक्ट मैच मिल जाना। अगर आप में से बहुत सारे लोग किसी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं, किसी एक कार्मिक रिलेशनशिप से गुजर रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारी तकलीफें आपको मिल रही हैं, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, यहाँ पे सिचुएशन ये पॉसिबल है कि आप जिस भी कार्मिक रिलेशनशिप से गुजरे हो, जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, जिसमें आप बहुत ज़्यादा रोए हो, आपको एक है ना इल्यूजन काइंड ऑफ हुआ होगा कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है, ये पर्सन आपका सोलमेट है। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी, आपके रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, ये आपका ट्विन फ्लेम, आपके सोलमेट नहीं हो सकते, और आप कंप्लीटली उस रिलेशनशिप को यहाँ पे एंड कर रहे हो। साथ के साथ में कोई दूसरा, कोई न्यू पर्सन ही मैं आपकी लाइफ में आते हुए देख रही हूँ सेप्टेम्बर के मंथ में। टू ऑफ पेंटिकल्स की भी यहाँ पे एनर्जीज हैं, यानी कि जिन चीज़ों में आप उलझे हुए थे, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपको इस रास्ते जाना है, आपको इस रास्ते जाना है, सो वो डिसीजन आप ले पाओगे। मैं यहाँ पे कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ। ऑप्शन वन, एस ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। मैंने कहा ना, जैसे आपकी वैल्यू कोई समझ रहा है यहाँ पे, आपके कोई क्रश टाइप होंगे, या तो या फिर कोई पर्सन जैसे आपको पसंद है, हो सकता है आपके फ्रेंड भी हो बहुत सारे लोगों के लिए। ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, कॉन्फ्लिक्ट्स। सबसे पहली चीज़ तो जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो आपके मन में चल रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बाहर के लोगों से आपकी लड़ाई हो रही है, जो यहाँ पे कार्ड आया है। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, वो आपके मन में ही चल रहे हैं, वो आपके अंदर ही चल रहे हैं। ओके, जस्ट वेट। ओके, सो जैसे मैंने कहा कि, सॉरी गाइस, एक इम्पॉर्टेंट कॉल था। ओके, सो यहाँ पे जो एनर्जीज हैं वो ये कि एस ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पे एनर्जीज हैं, जो बता रही हैं कि जैसे बिल्कुल ही आप अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करने वाले हो दिस मंथ। ये जो न्यू स्टार्ट है ना, बहुत टाइम से सुन रहे होंगे, या तो आप पर्सनल रीडिंग्स में सुन रहे, मतलब पर्सनल रीडिंग आपने करवाई होगी, या फिर जनरल रीडिंग्स में आप ये सुन रहे होंगे कि एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में आने वाला है, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आने वाली है। लेकिन आप लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि हो तो है नहीं रहा है, सब रीडर्स ऐसे ही कह रहे हैं, पर हमारी रीडिंग्स में आ रहा है लेकिन ये हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे एनर्जीज ऐसे हैं कि ये जो न्यू स्टार्ट है ना, ये इस तरीके का न्यू स्टार्ट है कि जैसे आपके थॉट्स चेंज हो जाना, जैसे आप में अंदर चेंजेस आ जाना, ट्रू लव को पहचानना, आपको सीखना। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है, जैसे कि आपके लाइफ का एक नया फेज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक नया फेज आपका यहाँ से बिगिन हो रहा है, और आप परेशान हो थोड़े से, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ड्स की सिचुएशन है, कि परेशान हो, दुखी भी हो, जो चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, जो चीज़ें बदल रही हैं, उसकी वजह से परेशान भी हो। लेकिन ये जो न्यू स्टार्ट है ये होकर ही रहेगा, और एक बार जब आप आगे बढ़ोगे इस टाइम के साथ, आप जब इस जो भी चेंज हो रहा है इसको एक्सेप्ट करोगे, यकीन मानो आप खुश होगे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे एनर्जीज हैं, लिब्रा की यहाँ पे एनर्जीज हैं, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि चीज़ों में इक्वल गिव एंड टेक होना ज़रूरी है, आपकी लाइफ में इक्वल गिव एंड टेक होना ज़रूरी है। आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहे होंगे जहाँ पे आपने दिया ही दिया, आपको मिला नहीं, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि प्यार जो होता है ना, देखो प्यार वन साइडेड हो सकता है, ठीक है, प्यार हम वन साइडेड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रिश्ता चाहते हो किसी से तो वो बोथ साइडेड होता है, वो वन साइडेड नहीं चलता, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे एनर्जीज हैं जो बता रही हैं, बहुत सारे लोगों की जैसे यहाँ पे शादी की बातें चल रही हैं, या फिर आप शादी के बारे में सोच रहे हो, बस यही सोच रहे हो। अगर यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अरेंज मैरिज है कि जिस भी पर्सन से हम शादी करेंगे वहाँ पे सब कुछ अच्छा रहेगा या फिर नहीं रहेगा, तो यहाँ पे एनर्जीज है कि डेफिनेटली सब कुछ अच्छा रहेगा, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा पहचानने में गलती कर देते हो, लेकिन अगर आपकी फैमिली आपके लिए चूज कर रही है तो वो बहुत ज्यादा सोच समझ के चूज कर रहे हैं, वो ये गलती नहीं करेंगे। आपका थोड़ा सा भरोसा सा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, जैसे भरोसा सा आप लोग का उठ गया है। हाँ, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि ऐसी किसी भी एनर्जीज में आपको रहने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ आप लोगों के लिए। ऑप्शन वन,
सन, वेरी नाइस। यहाँ पे आप लोग के लिए सन की एनर्जीज हैं जो बता रही हैं क्लैरिटी आना, जो भी कंफ्यूजन्स थे आपकी लाइफ में, आपके माइंड में, वो दूर हो जाना, अपनी खुशियों के बारे में सोचना, अपने बारे में सोचना, अपनी केयर करना, खुद पर ध्यान देना, एक कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर नहीं था, जो कहीं खो गया था, जैसे कहते हैं ना कॉन्फिडेंट होना, तो कुछ इस टाइप की मैं कहूँ आपके साथ चीज़ें हुई हैं ना, कि आपका कॉन्फिडेंस लो होता गया, लो होता गया, लो होता गया, लेकिन इस मंथ की जो एनर्जीज हैं वो बता रही हैं कि आप में वापस से वो कॉन्फिडेंस आएगा, वापस से जैसे आपके अंदर भुजसी गई थी एक फ्लेम की, कुछ कर दिखाना है, कुछ कर दिखाने का जो एक पैशन होता है, एक जुनून होता है, लेकिन इस मंथ की एनर्जीज हैं वो दोबारा से वो अंदर से एनर्जीज आना। ऑब्वियसली सन मेरे लिए एनर्जी का सोर्स है, हम सबको सन से एनर्जीज मिलती हैं, एंड वो एनर्जीज आपकी रीडिंग में है। नाइन ऑफ फायर। यहाँ पे ये कार्ड कह रहा है कि बहुत सारी चीजें हैं आप लोग के सामने, बहुत सारी चीजों से आप लोग गुजर रहे हो, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो डिसीजन लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है आप लोग के लिए, कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही नहीं है। आप दोबारा से अपनी लाइफ में कोई भी गलती नहीं करना चाहते हो, एक कहते हैं फूक फूक के कदम रखना, तो वो वाली यहाँ पे एनर्जीज हैं। लेकिन आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखो, जो भी आपने आपके लाइफ के लिए प्लान सोच रखे हैं, आपके कैरियर के लिए आपने यहाँ पे जो भी चीजें सोच रखी हैं, आप उनके ऊपर काम करो, ठीक है? आप अपने कैरियर के ऊपर काम करो, आप अपने ऊपर काम करो, रेस्ट जो सारी चीजें हैं वो ठीक होती जाएंगी। एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं यहाँ से। डरते बहुत ज्यादा हो, बहुत सारे डर हैं आपके मन में, आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव लोग होंगे, बहुत ज्यादा आपके अंदर क्रिएटिविटी होगी, लेकिन पिछले कुछ दौरान से जो भी चीजें आपकी लाइफ में चल रही हैं ना, उसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे वो जो क्रिएटिव आपका नेचर था ना, वो कहीं खो सा गया है। हाँ, यहाँ पे कहा जा रहा है दोबारा से क्रिएटिव होने के लिए। हर्मिट, ओके, सो यहाँ पे हर्मिट की एनर्जीज है, किसी से बात नहीं करना, अकेले रहना। देखो होप है आपके पास, यहाँ पे ये यह हर्मिट है हमेशा मुझे बताता है कि होप है आपके पास। आप इस तरीके से सोचिए कि प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन सोल्यूशन क्या है? जिस प्रॉ आप ना मैं बताऊं, दूसरों को बहुत अच्छे सजेशंस देते होंगे आप लोग, तो यहाँ पे जो एनर्जीज हैं वो ये कह रही हैं कि ऐसे सोचिए कि इस प्रॉब्लम में आपका कोई फ्रेंड है, आप इस टाइम पे उनको क्या सोल्यूशन देते, आप उनको क्या सजेशन देते, आप उन्हें क्या एडवाइस करते, तो वो एडवाइस को आप अपने ऊपर अमल करिए। आपको पता है क्या है, आपको पता है कि आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है, आपको किस डायरेक्शन में एक्शन लेना है, लेकिन आप कर नहीं पाते हो, आप एक्शन नहीं ले पाते हो, आप एक्शन लेने से डरते हो। ऐसा नहीं करिए, आपको पता है, आपको सब कुछ पता है, आपके लिए सही क्या है, आपके लिए गलत क्या है, तो प्लीज एक्शन लो। नहीं पता है, अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, तो मेडिटेशन करो, आपके सारे कंफ्यूजन्स दूर होंगे, क्लैरिटी आपको मिलेगी, आपको स्ट्रेंथ की बहुत ज्यादा नीड है यहाँ पे। मैं यहाँ से ले लेती हूँ कुछ कार्ड्स, ऑप्शन 1, और यहाँ पे कार्ड भी आपने चूज किया है ना, यू आर प्रेशियस, तो खुद को कभी भी ऐसे कम नहीं समझना है कि दूसरे लोग आपसे ज्यादा बेटर हैं, या फिर दूसरे लोग आपसे ज्यादा बेटर कर सकते हैं। आपको तारीफें नहीं मिली हैं, आपके काम के बदले आपको अप्रिसिएशन नहीं मिला है, और कहीं ना कहीं ये एक रीजन है कि आप लोग नेगेटिविटी में आ गए, नेगेटिव हो गए, नेगेटिव सोचने लगे हो, अपने बारे में ही सेल्फ डाउट पे आ गए हो, तो वो जितना आप खुद पे डाउट करोगे ना, उतनी ही चीजें खराब होती जाएंगी। अपने ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए, अपने ऊपर आपको फेथ होना चाहिए। मैं यहां से ले लेती हूँ ऑप्शन 1। डियर, बी जेंटल विद योर सेल्फ अगेन, जो अभी मैं आपको मैसेज दे रही थी वही यहाँ पे कार्ड है कि अपने साथ जेंटल रहिए, अपनी खुशियों का ख्याल रखिए, खुद को अपनी खुशियों का ख्याल नहीं रखते हो आप लोग, और इस मंथ आपसे यही प्रैक्टिस करने को कहा जा रहा है कि अपनी खुशियों का ख्याल रखिए, अपने साथ इतना रफ टफ नहीं हुई है, अपने आप को तकलीफ देना बंद करिए। कभी कभी पता है क्या होता है, हम चीजों को जब ऐसे जकड़ के रखते हैं, हम जब ऐसे पकड़ के रखते हैं ना, तब हमें तकलीफ होती है, लेकिन जब हम चीजों को लेट गो कर देते हैं, वो लेट गो करने में पेन तो होता है, लेकिन बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है।
तो खुद पर, खुद के साथ मैं कहूँ थोड़ा जेंटल होने की जरूरत है, खुद पे इतने अत्याचार आप ना करें, ऐसे ही कहूंगी मैं। एक और कार्ड ले लेती हूँ, ऑप्शन वन। द फ्रॉग जंप फॉर जॉय, आपके लिए रिपीटेडली वही मैसेज आ रहे हैं कि अपनी खुशियों के लिए फर्स्ट स्टेप लीजिए। सबसे आपको इस टाइम पे सबसे ज्यादा जरूरी जो आपके लिए है वो ये कि आप खुश रहें, आप खुश रहना सीखें। खुश नहीं रह पाते हो और आपको, क्योंकि पता है आपके साथ क्या होता है कि आपकी लाइफ में जो सही होता है आप उस पर फोकस नहीं कर पाते हो, बाकी जो खराब हो रहा होता है, जो चीजें खराब चल रही होती हैं, आपका फोकस वहां पर ज्यादा रहता है कि देखो ये ऐसा हो गया, देखो ये वैसा हो गया, उसने मुझसे ऐसे कह दिया, उसने मेरे साथ ऐसे कर दिया। आप विक्टिम वाली जो मेंटेलिटी होती है उसमें बहुत जल्दी आते हो, इसलिए आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि पॉजिटिव चीजों पे फोकस करो, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करो, अपनी खुशियों के लिए फर्स्ट स्टेप लो। प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में है, आप अकेले नहीं हो, यहाँ पे सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, सबको उन प्रॉब्लम से डील करना पड़ता है। ठीक है, खुश रहना ना रहना एक चॉइस है, मेरी बात मानिएगा और समझिएगा, खुश रहना है या फिर नहीं एक चॉइस है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे मन का सा होता है तो हम खुश हैं, अदरवाइज से नहीं। ठीक है, मैं लास्ट यहाँ से कुछ गाइडेंस ले लेती हूँ, ऑप्शन वन। हीलिंग, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है आपको हीलिंग की नीड है, अपने आप को हील करिए। हीलिंग मेडिटेशन, मेडिटेशन सुनिए, हीलिंग के जैसे साउंड्स होते हैं ना, म्यूजिक होते हैं, आप उन्हें सुनिए। ठीक है, रामादासा सासे सोहम एक चैंट होता है, उसे सुनिए, अपने हर्ट चक्रा को हील करिए, मेडिटेशन करिए, उसमें हीलिंग एनर्जीज को इन्वाइट करिए, खुद को हील करिए। और खुद को हील किस तरीके से कर सकते हो, जब आप खुश रहना सीखो विद इन दी नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो यहाँ पे ऑब्वियसली 1 month की हमने यहाँ पे रीडिंग करी है, कुछ वीक्स का ही आपको यहाँ पे टाइम बोला जा रहा है, और क्लैरिफिकेशन के लिए कि कोई ना कोई पर्सन आपकी लाइफ में जरूर आने वाले हैं। नो, तो अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन चल रहा था राइट नाउ इस रीडिंग को देखते टाइम पे, आप कुछ सोच रहे थे, तो उसका आंसर यहाँ पे नो है अभी के लिए, वो जो भी है वो नो है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही, मुझे जरूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया है एलिफेंट, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग, इसे मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ और शफल कर लेते हैं कार्ड्स, ऑप्शन टू, और देखते हैं कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन सी गुड न्यूज ऑप्शन टू वाले लोगों के लिए आने वाली है सितंबर के मंथ में। नाइन ऑफ सॉट्स, क्यों हो इस सिचुएशन में, क्यों हो, हाँ इतने परेशान, इतने दुखी, फोर ऑफ सॉट्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी नाइस। तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे आपको मैं बताऊं, जो दुखी हो, जो परेशान हो ना, इस यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है जैसे अपने दुख को ही लेट गो करने वाले हो, जिन चीजों के पीछे आप रो रहे हो, जिन चीजों की वजह से आप लोग परेशान हो रहे हो ना, उनको जस्ट इस मंथ आप लोग रिलीज करने वाले हो। सिचुएशन यहाँ पे पूरी ऐसी है, मैं बताती हूँ क्या है। नाइन ऑफ सॉर्ड्स है, प्रॉब्लम्स है, परेशानी है, ओवर थिंकिंग है, सो नहीं पा रहे हो, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड वाली एनर्जी, परेशान वाली एनर्जी की, क्या करें क्या नहीं करें। यहाँ पे ये सिचुएशन है कि सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया, डिवाइन पे छोड़ दिया, आप लोग हीलिंग कर रहे हो, आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो और कह रहे हो रेस्ट हम भगवान जी पर छोड़ रहे हैं,
हाँ, एंड उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, व्हील ऑफ फॉर्चून कम्प्लीटली चेंज आ गया। किस तरीके से यहाँ पे कार्ड्स आए हैं ना, जो अपने आप ही कहानी पूरी बयां कर रहे हैं आपकी, कि क्या आप लोग करने वाले हो इस मंथ। तो बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे एनर्जीज हैं आप लोगों के लिए। अभी आप जिन एनर्जीज में हो इस मंथ को स्टार्ट करने पे, एट द एंड ऑफ द मंथ आप इन एनर्जीज में बिल्कुल भी नहीं रहने वाले हो। व्हील ऑफ फॉर्चून की यहाँ पे एनर्जीज हैं कि ये बता रहा है बहुत बड़ा बदलाव आपके बिहेवियर में आने वाला है, आपके अंदर आने वाला है। अगर आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो, आप लोग हीलिंग कर रहे हो, तो अपने आप को ना बहुत ज़्यादा, जैसे आपने हील कर लिया है, ये वो एनर्जीज हैं, जैसे अपने आप को आपने हील कर लिया है, जैसे कोई जंग आपने जीत ली हो, जैसे कोई आपने जंग फतेह कर ली हो, कोई कोई पर्सन यहाँ पे निकला था जैसे अपनी ही जर्नी में, खुद को ही ढूंढने। आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि मैं कौन हूँ, मैं अगर इस दुनिया में आई हूँ, आया हूँ, तो मैं क्यों आई हूँ, मैं मेरा रीज़न क्या है। आप लोग खुद से ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो कि इस तरीके से रो रो के तो आप अपनी लाइफ को स्पेंड नहीं कर सकते, इस तरीके से तो आप नहीं बता सकते। कुछ ना कुछ तो आपको स्टेप लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे कार्ड भी ऐसा ही है, फ्री ऑफ पेन। सच में किस तरीके से एनर्जीज यहाँ पे आती है ना, मैं सच्ची में कभी कभी तो एकदम से सरप्राइज हो जाती हूँ। फ्री और पेन की, अपने पेन को ही फ्री कर देना, अपनी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने हाथ में लेना। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, बहुत सुंदर एनर्जीज हैं। मैं कुछ और कार्ड्स निकालती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ऑप्शन 2, एट ऑफ वॉन्स। ओके, सब काफी सारी चीजें, काफी सारी गुड न्यूज आपके लिए जरूर आने वाली हैं इस मंथ। वेरी नाइस, आप तो बहुत अच्छे मैनिफेस्टर बन रहे हो। ओके, मैं बताती हूँ अभी। एस ऑफ कप्स, बहुत ही प्यारी, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज आई हैं इसमें आप लोग के लिए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, सबसे पहली चीज तो इतनी अच्छी तरीके से आप लोग ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, इतने अच्छे तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो ना, कि मैं क्या ही कहूँ, मैं क्या ही कहूँ। अगर अभी तक आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करना स्टार्ट नहीं कर रहे हो, आप मेडिटेशन करना स्टार्ट नहीं कर रहे हो, सो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, स्टार्ट कर दो। और अगर ऑलरेडी कर रहे हो तो ये सब तो होने ही वाला है, अगर नहीं कर रहे हो तो कर दो। बहुत सारे चेंजेस आप अपने अंदर फील करोगे, बहुत सारी चीज़ों को आप लोग फील करने वाले हो इस मंथ। इमोशंस आपके हाई रहेंगे, और वो भी ऐसे इमोशंस नहीं जिनमें आप दुखी हो, जिनमें आप परेशान हो, जिसमें ना आप सेल्फ लव की एनर्जी से भर गए हो, जिसमें आप प्यार की एनर्जीज को फील कर रहे हो, जिसमें आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि कोई आए सामने से पर्सन और वो आपसे प्यार करे। आप खुद ही इतने प्यार से भर गए हो कि आप दूसरों की ही हेल्प करना चाह रहे हो। एक अनकंडीशनल लव वाली एनर्जी, एक सेल्फलेस हेल्प वाली एनर्जी, एक सेल्फलेस लव वाली एनर्जीज यहाँ पे है। साथ ही साथ ही मैजिशियन की एनर्जीज है। मुझे देखो, मैं सबसे पहले आपको ये बात बताऊँ, मुझे जैसे कि ऐसा तो बहुत कम लग रहा है कि कोई आप में से कुछ लोग पर्टिकुलर किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप लोग ओवरऑल ना आपकी लाइफ को ही एक बेटर बनाने के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज कर रहे होंगे। एक नाइट टाइम रूटीन फॉलो करना, डे टाइम रूटीन फॉलो करना, कुछ लोग रिटर्न वाली टेक्निक्स फॉलो कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है, जैसे आपका जो कनेक्शन है वो यूनिवर्स से बहुत अच्छे तरीके से बैठ रहा है। आप लोग ना आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, और इजीली जितना आप इस मंथ काम कर रहे हो ना अपने ऊपर, बहुत अच्छे मैनिफेस्टर आप बनने वाले हो। लाइक इन फ्यूचर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहोगे आप इजीली कर पाओगे। आप जो भी आपकी लाइफ में चाहोगे, चाहे लव लाइफ में या फिर वेल्थ, फाइनेंसेस, आपके कैरियर में, आप जो भी चीज़ें चाहोगे आप वो मैनिफेस्ट कर पाओगे। जस्ट यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स की बॉटम ऑफ द डेक एनर्जीज हैं, जो ये कह रही हैं कि आप जो भी कर रहे हो वो एकदम सही कर रहे हो, जो भी रूटीन फॉलो कर रहे हो वो एकदम सही कर रहे हो। लेकिन बस एक चीज़ मत करना कि आपने सपोज 3-4 दिन मेडिटेशन करो और फिर आप सोचो कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपने कोई टेक्निक यूज करी और फिर आप कह रहे हो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है मैनिफेस्टेशन करो, लेट गो कर दो। मेडिटेशन में हीलिंग एनर्जीज को इनवाइट करो, लेट गो कर दो। सब कुछ यूनिवर्स पे, भगवान जी पे, जिनको भी आप मानते हो उन पे छोड़ते जाओ, और सब कुछ आपको मिलेगा, सारी विशेस आपकी पूरी होंगी। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं जो बता रही हैं कि काफ़ी सारी चीज़ों को, अगेन वही है कि बहुत सारी चीज़ों को आप लोग आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हो।
जब ये मंथ एंड होगा ना सितंबर का, आप एक हैप्पी चाइल्ड लाइक आपका मुझे यहाँ पे फेस नजर आ रहा है, जो खुद तो पॉजिटिव है ही है और दूसरों को भी ना जैसे पॉजिटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं आप, दूसरे लोगों को भी पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हो आप लोग, दूसरे लोगों को भी समझा रहे हो कि देखो नेगेटिव होने से कुछ नहीं होता है, पॉजिटिव रहना चाहिए। हाँ तो वो मुझे यहाँ पे आप लोग से एनर्जीज मिल रही हैं और इसलिए मैं इतनी खुश हूँ आपकी रीडिंग करते टाइम पे। यही तो होता है, यही मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसी टाइप से करो, आप लोग इसी टाइप से बनो। हाँ और वो एग्जैक्टली आप लोग कर रहे हो। एट ऑफ वॉन्स की यहाँ पे एनर्जीज हैं जो ये भी बता रही हैं कि कोई दूर से आपके लिए अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है, आप किसी दूर से अपॉर्चुनिटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई ट्रेवल भी आप लोग का रह सकता है इस मंथ, ये भी चीज़ पॉसिबल है। और मैं अब इस डेक से देखती हूँ ऑप्शन टू और क्या एडवाइस है आप लोगों के लिए, इसे थोड़ा सा साइड कर देती हूँ। पेशेंस, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें आपको करनी है वो पेशेंस के साथ करनी है। देखो होता क्या है ना कि हम जैसे कि सपोज करिए कि आप कोई नेगेटिव पर्सन है तो वो एकदम से पॉजिटिव नहीं बन जाएगा, क्योंकि वो जो नेगेटिव हुआ है ना उसमें कई सालों की ट्रेनिंग उसे लगी है, कई सालों के उसका बिलीव लगा है कि मेरा लक खराब है, कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, मेरे साथ सब बुरा होता है, ऐसी चीज़ें हम सोचते रहते हैं ना। तो जब आप पॉजिटिव चीज़ें करोगे तो हो सकता है कि कभी कभी थोड़ा सा ना आप हाई वाइब्रेशन से लो में भी चले जाओ। तो यहाँ पे पेशेंस आपको अपने अंदर रखना है, चीज़ें चेंज होंगी लेकिन थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है। आई नो वैसे आप बहुत सारे चेंजेस आप में इस मंथ देखने वाले हो, लेकिन स्टिल आपसे कहा जा रहा है कि पेशेंस रखिएगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा। ऑप्शन टू, एट ऑफ फायर, यही एट ऑफ वॉन्ड्स वाली यहाँ पे एनर्जीज है कि अपनी खुशियों का जैसे कि सेलिब्रेशन कर रहे हो, कहीं ट्रेवल पे जा रहे हो, कहीं दूर जा रहे हो, खुद पर नाज कर रहे हो, खुद पे कॉन्फिडेंट हो। और दूसरी चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक आप लोग इस मंथ रहने वाले हो, बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग लेजीनेस वाली एक सिचुएशन में रहोगे। और जैसे कुछ लोग यहाँ पे वर्कआउट भी कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, अच्छे अच्छे अफर्मेशंस दे रहे हैं, तो वो यहाँ पे एनर्जीज हैं इस मंथ के लिए। बहुत सारी गुड न्यूज़ हैं आप लोगों के लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। ओके सो यहाँ पे कार्ड्स, ऑप्शन टू, ये कार्ड्स बहुत बड़े हैं, सिक्स ऑफ वाटर। ओके सो यहाँ पे ये है अतीत की यादों में वापस जाना। तो देखो कभी भी, मैं एक आपको बात बताऊं, कभी भी हम हमारे पास्ट को ना हम लेट गो कर सकते हैं, हमें जो लेसन्स मिले हम उनको याद रख सकते हैं, लेकिन आप सोचो कि आप कंप्लीटली भूल जाओ, हाँ तो वो नहीं होता है। भूल तक कभी भी कोई कुछ नहीं है, ना तो अपना कोई बुरा वक्त भूल पाता है, ना कोई अपना अच्छा वक्त भूल पाता है। हम जस्ट क्या करते हैं, हम इस टाइप से अपनी एक पर्सनैलिटी बना लेते हैं, हम इस टाइप से अपने आप को चेंज कर लेते हैं कि हमें ना बस वो लेसन्स याद रखने होते हैं, बाकी जो भी कुछ हुआ, जो भी कुछ हुआ वो हमें दोबारा से बार बार दुखी नहीं होना है, एक ही चीज़ को सोच के बार बार दुखी नहीं होना है। और जो भी लेसन्स लेकिन आपको मिले उन्हें ज़रूर याद रखिएगा, ये आपसे कहा जा रहा है। मैं यहाँ पे आप लोग के लिए गाइडेंस ले लेती हूँ। ऑप्शन टू, कैमल, नो दैट यू आर वर्दी ऑफ लव। तो यहाँ पे यही एनर्जीज हैं, सेल्फ लव वाली एनर्जीज हैं कि खुद से प्यार करो। और अगर आप अभी इन सिचुएशन में हो ना कि परेशान हो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कोई आपसे प्यार नहीं कर रहा है, कोई भी आपके साथ नहीं है, तो वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं सोचनी है, उस नेगेटिविटी में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव अफर्मेशन देने हैं। ठीक है, द गोरिल्ला, जेंटलनेस एंड स्ट्रेंथ। ओके सो बहुत स्ट्रांग हो आप लोग, आपसे दूसरी चीज़ यही कही जा रही है कि बहुत स्ट्रांग हो, उतना कि जितना आप जानते भी नहीं हो। हाँ तो बस यहाँ पे
खुद को प्यार करते रहिए, खुद से प्यार करते रहिए, खुद से सेल्फ लव करते रहिए। और एक दूसरी चीज़ जो यहाँ पे कही जा रही है कि अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हो तो उससे बदले में आप एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि वो पर्सन भी आपके लिए कुछ करे, ठीक है? बस यूनिवर्स पे छोड़ दो, आप जो भी कुछ अच्छा कर रहे हो अच्छा करके यूनिवर्स पे छोड़ दो, ठीक है? यहाँ से लास्ट में कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ, ऑप्शन टू। ओके, से यहाँ पे दो कार्ड्स गिर गए हैं, लेट गो। तो यहाँ पे वही कार्ड है आपके लिए जो मैं इतनी देर से कह रही हूँ, लेट गो, लेट गो, लेट गो तो कर ही रहे हो, कम्युनिकेट प्रॉपरली। दूसरी यहाँ पे एनर्जीज कही जा रही हैं कि अपनी कम्युनिकेशन जिनसे भी आप करें वो प्रॉपर रखें। आप कोई डील्स कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है इस मंथ आपके लिए। ऑप्शन टू, एक ईयर फ्रॉम नाउ। तो यहाँ पे आई थिंक आपसे कहा जा रहा है कि कम्प्लीटली जिस टाइप की आप लाइफ चाह रहे हो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, पूरा एक साल लग जाएगा आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने में। आपको ट्रांसफॉर्म होने में तो पेशेंस रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे कार्ड क्या था, पेशेंस का। तो पेशेंस रखिए, सारी चीज़ें सही होंगी, वक्त के साथ होंगी, आपको सारी खुशियाँ मिलेंगी, सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो, ऑप्शन थ्री। तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया है, दी ब्लैक पैंथर, तो देख लेते हैं कौन सी गुड न्यूज, कौन सी ब्लेसिंग्स आपके लिए इस मंथ में आने वाली हैं। तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स, पहले से ही कार्ड्स गिर रहे हैं आप लोग के लिए। ऑप्शन थ्री, दी हर्मिट, ये सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। दी हर्मिट वाली एनर्जी से आप लोग निकलने वाले हो, जो एक ऐसी एनर्जी थी ना कि अकेले रहना है, किसी से बात नहीं करनी है, किसी से बात करने का एक मन नहीं आप लोग का होता था, बहुत ज्यादा जैसे इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ आप लोग की सिचुएशन हो गई थी। कहीं ना आना है ना जाना है, अपने में ही रहना है। कुछ उदास से आप लोग मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हो पास्ट में, कुछ परेशान से आप लोग रहे हो। ऑप्शन थ्री, टेन ऑफ कप्स, ओके, वेरी नाइस। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि दोबारा से जैसे आपके अंदर वो एंथुजियाज्म आ रहा है, दोबारा से एक नई एनर्जीज आ रही हैं काम करने की। जैसे ऐसा हुआ था कुछ, जैसे कि आपके कैरियर में मैं आपको बताऊं कि आपने जैसे कोई जॉब करी या फिर आपने कोई बिजनेस करा, तो जैसे उम्मीदें सी टूट गई आपकी कि यहाँ पे कुछ भी चीज़ पॉसिबल है, यहाँ पे कुछ भी ग्रोथ होना पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे इस मंथ में क्या हो रहा है, जैसे आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिल रही है, आपको कोई ना कोई होप मिल रही है, और अब दोबारा से जैसे वो काम करना स्टार्ट कर रहे हो, आप काम करना शुरू कर रहे हो, तो वो एक नई एनर्जीज में आना, बहुत ज़्यादा एनर्जी होना आपके अंदर, बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म होना। आप लोग के ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, आप लोग के सपने बहुत बड़े बड़े हैं। आप लोग को सिचुएशन ऐसी है जैसे लाइफ में हर चीज़ चाहिए, आपको एक अच्छी फैमिली भी चाहिए, एक हेल्दी रिलेशनशिप भी चाहिए, और पैसा उतना चाहिए जितने में आप एक हेल्दी लाइफ आपकी हो सके, एक अच्छी आपकी लाइफ हो सके। सारी मटेरियलिस्टिक आपको चीज़ें चाहिए। यहाँ पे एनर्जीज ऐसी है कि आपकी बहुत ज़्यादा एम्बिशियस बहुत ज़्यादा हो आप लोग, और यही एक रीज़न है कि आपके सपने, आपको कहते हैं ना कि आपके सपनों की वजह से आपको पीस नहीं मिल पाती, आपको शांति नहीं मिल पाती। आप हर टाइम काम के बारे में सोचते रहते हो, हर टाइम किस तरीके से और ग्रोथ की जाए आप ये सोचते रहते हो, बिजी रखते हो खुद को बहुत ज़्यादा। सो इस मंथ की भी ऐसी एनर्जीज हैं, लेकिन साथ के साथ में ये देख रही हूँ कि खुशियाँ भी हैं। कुछ और कार्ड्स देखती हूँ, ऑप्शन थ्री, सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ सॉट्स,
आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप नहीं करते हो तो, और करते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको सारी प्रॉब्लम्स जो भी आपकी लाइफ में चल रही हैं उनके सॉल्यूशंस, जैसे आप जब मेडिटेशन करेंगे ना उसके बाद आपको मिल जाएंगे। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी चीज़ में आप स्टक हो, आप लोग परेशान हो, आपको मेडिटेशन करने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम्स के जैसे सॉल्यूशन नज़र आ जाएंगे। ऐसी यहाँ पे सिचुएशन है, यहाँ पे सिचुएशन ये है कि बहुत सारी चीज़ें आप लोग की लाइफ में चल रही हैं जिसमें हो सकता है कि आप कंफ्यूज भी हो जाओ। कुछ ऐसे डिसीजंस आपको हो सकता है कि इस मंथ लेने हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके लिए राइट चॉइस क्या है, आपके लिए बेस्ट डिसीजन क्या है। तो वो यहाँ पे एक एनर्जीज हैं। तो इसीलिए मैं आपसे आपसे कह रही हूँ कि मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन में आपको आपके सारे सवालों के जवाब ज़रूर मिलेंगे। और जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 7 of Cups वाली एनर्जीज हैं, ड्रीमी एनर्जीज हैं बहुत ज़्यादा, कि ड्रीम्स में सब कुछ है। ओके और यहाँ पे 6 of Cups का भी कार्ड है। यहाँ पे कप्स की बहुत ज़्यादा एनर्जीज हैं, तो या तो आप खुद कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हो, या फिर कोई पर्सन आप लोग के लिए कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे 6 of Cups है, यहाँ पे 10 of Cups है। तो एक और एनर्जीज है कि अगर आप किसी के प्रपोजल का वेट कर रहे हो, आपके कोई फ्रेंड है, आपके कोई बचपन के फ्रेंड हैं जैसे, जिनसे आप वेट कर रहे थे कि वो आपको आके प्रपोज करें, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करें, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, तो वो भी मुझे यहाँ पे इस मंथ पॉसिबल होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे आप लोग सिंगल हो लेकिन सिंगल से मिंगल हो रहे हो इस मंथ, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जीज हैं। जैसे बहुत जल्दी आपकी शादी की भी बातें चलने वाली हैं, अभी तक चल नहीं रही हैं, लेकिन यहाँ पे एनर्जीज ऐसी हैं कि बहुत जल्दी चलने वाली हैं। हो सकता है कि आपके घर वाले कहें कि नहीं देखो अब शादी कर लेनी चाहिए, अब ये सही समय है आपके लिए, तो वो भी यहाँ पे एनर्जीज हैं। लेकिन अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो यहाँ पे है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, और आपके जो भी पर्सन हैं, जो भी आपके स्पाउस हैं, वो आपको डायरेक्ट करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो आपको रास्ता दिखाने में आपके लिए, अगर आप कंफ्यूज हो तो वो आपके लिए सही डिसीजन लेने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। ओके सो मैं अभी कुछ और कार्ड देख लेती हूँ यहाँ से। ऑप्शन 3, सेवन ऑफ अर्थ की, बहुत टाइम से वेट कर रहे हो किसी चीज़ का, बहुत टाइम से चीज़ से होल्ड पे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये यह है कि आप लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, आप कहीं भी एडजस्टमेंट करना नहीं चाहते हो, आप लोग चाहते हो कि आपके पास सारी चीज़ें हों, आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हों। और जैसे कहते हैं ना कि आप लोग सोचते ऐसे हो कि एक ही तो लाइफ है और इसमें भी क्या कॉम्प्रोमाइज़ करें, आपके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं और यही एक रीज़न है कि परेशान होते हो। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि अगर आपको खुश रहना सीखना है तो सेटिस्फेक्शन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी लाइफ में। आप लोग ग्रेटिट्यूड जर्नल को फॉलो करें, जो भी चीज़ आपके पास अभी है सबसे पहले तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना शुरू करें। चाहे जैसे आप अपनी ये वी आप ये वीडियो अपने फ़ोन से देख रहे हो, आप अपने लैपटॉप से देख रहे हो, तो आप उसके लिए ही ग्रेटिट्यूड फील करो, ठीक है। यूनिवर्स को बोलो थैंक यू मेरे पास ये है, थैंक यू मेरे पास ये है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो लाइफ अभी आपके पास है ना, बहुत सारे लोग डिजायर करते हैं कि वो लाइफ उनके पास हो, लेकिन आपके पास है। तो सबसे पहले ग्रेटिट्यूड देना स्टार्ट करें यूनिवर्स को। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स वैसे नहीं है, लेकिन आपके सपने बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बहुत ज़्यादा बड़े, कि एक अच्छी पोजिशन पे आपको होना है, एक अच्छी या तो कहीं बिजनेसमैन बनना है, या फिर एक आपको जॉब करते हो तो आपको एक ओनर वाली पोजिशन चाहिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं और उसी की वजह से परेशान रहते हो। ऑप्शन 3 स्टार। ओके सो बहुत सारी यहाँ पे हीलिंग है, कि हीलिंग एनर्जीज को आपको इनवाइट करने के लिए कहा जा रहा है। दूसरी चीज की देखो क्या है ना, यहाँ पे कार्ड मुझसे ये कह रहा है कि अगर आपने किसी चीज को पाने के लिए हार्डवर्क नहीं करा है, अगर आपने उसको पाने के लिए मेहनत नहीं करी है, तो आपको जब वो चीज मिलेगी तो आपको उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं रह जाएगी। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप लोग मेहनत कर रहे हो, तो देखना खुशी भी उतनी ही बड़ी होगी कि आपने वो मेहनत से कमाया है, आपने वो हार्ड वर्क से कमाया है, वो अचीव किया है, तो वो सेलिब्रेशन भी उतना ही बड़ा होगा। मैजिशियन, बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड काइंड ऑफ आप लोग पर्सनैलिटी हो, जैसे पैसे से पैसा कैसे बनाना है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आता होगा।
सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग अपने फेवर में कैसे लेना है ये आपको बहुत अच्छे से आता होगा। इस मंथ बहुत ज़्यादा आप लोग जैसे कि अपनी पावर में रहने वाले, खुद से कनेक्ट रहने वाले हो, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट रहने वाले हो। जैसे कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में होगी ना, आप झट से सोल्यूशन निकाल लोगे, बशर्ते यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने मन को थोड़ा सा दिन में 10-15 मिनट का टाइम ऐसा निकालिए कि आप अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करें, थोड़ा सा काम करें, ओके, और यूनिवर्स से कनेक्ट करें। ये आपसे ज़रूर यहाँ पे कहा जा रहा है। बाकी मैजिशियन वाली एनर्जीज हैं कि सब कुछ चाहिए लाइफ में, सारी एरियाज पे आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हो आपकी लाइफ में, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। और साथ के साथ यहाँ पे सन भी है, तो सन की भी एनर्जीज आपके साथ हैं कि आपको कॉन्फिडेंस भी है खुद पर कि आप कर लोगे, आपको डाउट नहीं है, आपको पता है कि आप कर लोगे। तो मुझे बहुत अच्छी एनर्जीज लगी ये। मैं यहाँ से आप लोग के लिए ले लेती हूँ कुछ गाइडेंस, ऑप्शन 3। द हेड गो प्रिकल्स पुश पीपल अवे शो योर सॉफ्टर साइड। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि समटाइम्स जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा आपकी फैमिली को या फिर आपके फ्रेंड से बहुत ज़्यादा कटे कटे से रहने लग गए हो, क्योंकि हर्मिट की एनर्जीज थी कि किसी से बात नहीं करनी है, अपने में ही गुम रहना है। तो यहाँ पे आपका जो इम्प्रेशन है ना, वो लोगों पे गलत पड़ रहा है। लोग आपको ईगोइस्टिक समझने लग गए हैं, एक सेल्फ सेंटर्ड काइंड ऑफ पर्सन समझने लग गए हैं, जबकि एक्चुअल में आप है नहीं, आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, आप सोचते हो सबके बारे में। इनफैक्ट आप ये सारी चीज़ें भी इसलिए चाहते हो कि आप अपनी फैमिली को अच्छे से प्रोवाइड कर सको, ताकि उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं हो। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैस्कुलिन वाली एनर्जीज हैं, लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी सॉफ्टर साइड दिखानी है लोगों को, ताकि लोग आपसे दूर ना भागे, चाहे वो आपके पर्सन ही क्यों ना हो, आपके पार्टनर ही क्यों ना हो। आपको अपने इमोशंस भी कभी ना कभी दिखाने होते हैं, हमेशा स्ट्रिक्टली या फिर वैसे काम नहीं चलता है। ओके, सो आपके लिए कार्ड गिर गया है, सो जस्ट वेट। ओके, सो यहाँ पे कार्ड आया था दी ड्रैगन फ्लाई, डोंट बी बॉक्स्ड इन, रीच फॉर दी स्टार्स। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपकी डेस्टिनी में है कि आप स्टार्स तक जैसे पहुँचना कहूँ, या फिर जैसे लाइम लाइट में आना कहूँ, स्टार बनना हो, जैसे स्टार बनना किसी की ख्वाहिश होती है। हो सकता है कि आप सोशल मीडिया कोई प्लेटफॉर्म हैंडल करते हो, या फिर आपकी ख्वाहिश हो कि लोग आपको जाने, तो ऑफकोर्स यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी सिचुएशन है कि आप वो कर सकते हो, आपकी डेस्टिनी में है। ठीक है, सो जस्ट हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ, तो वो वाली कहावत है ना, तो यहाँ पे वही है। मैं यहाँ से आप लोग के लिए एडवाइस ले लेती हूँ लास्ट इस मंथ के लिए, ऑप्शन 3। सक्सेस, ओके, सो यहाँ पे डेफिनेटली सक्सेस है, तो परेशान होना बंद कर दीजिए। पहली चीज तो सक्सेस है आपके लिए। आपके सपने, आपके ड्रीम जरूर पूरे होंगे, मेरा विश्वास रखिए। खुद पर विश्वास रखिए, यूनिवर्स पे विश्वास रखिए। इम्प्रूविंग हेल्थ, तो यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि अपनी हेल्थ का साथ के साथ ख्याल जरूर रखिए। कहीं ऐसा ना हो कि पूरे दिन काम में बिजी हो, पूरे दिन काम कर रहे हो तो अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो। साथ में अगर आपके घर में किसी की हेल्थ में थोड़े से इश्यूज चल रहे हैं या फिर वो चल रहे हैं, तो आपको वहाँ भी ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है लिसन टू योर इंट्यूशन। मैंने आपसे पहले ही कहा मेडिटेशन करोगे तो आपको सारे सवालों के जवाब अपने विदिन मिल जाएंगे। आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि आपको कब क्या करना है, कौन सा डिसीजन आपको लेना है, क्या क्या चेंजेस आपको करने हैं, कौन सा रास्ता आपको चूज करना है। लेकिन मेडिटेशन आपको करना पड़ेगा ताकि अपनी इंट्यूशन से आप लोग कनेक्टेड रह सकें। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग पे कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।